हूँ। क्या नाम है आपका? सौदा। अच्छा, कहाँ से आए हो? पेशावर से। कैसी गुजर रही है आपकी? सही सही गुजर रही है। ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। अच्छा जी, ईद मिली है? हाँ। पापा किधर है? हाँ, घर में। अच्छा, घर में आप अकेले आए हो? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? नाम से। कहाँ से आए हैं? इधर से ही पास। अच्छा जी, ईद कैसी गुजर रही है? ईद गुजारने के लिए आए हो? कश्ती जो जा रही है, झूले वगैरह बहुत खुशी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को, और अच्छी गुजर रही है ईद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कैसर और आज का जो मेरा व्लॉग है, आज मैं आया हूँ मनारे पाकिस्तान। ये मेरे पीछे आप मनारे पाकिस्तान देख रहे हैं और यहाँ जो मैं आपको थोड़ी सी सैर करवाऊँगा, और पहले जो है मैं आपको थोड़ी सी सैर करवाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ कुछ लोगों से भी पूछेंगे, क्योंकि आज हमारी ईद उल फितर का पहला दिन है और लोगों की ईद कैसी गुजरी है ये लोगों से पूछेंगे। हम बच्चों से पूछेंगे, बड़ों से पूछेंगे, कितनी ईद मिली है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे ईद गुजर रही है, और यहाँ मतलब यादगार आने का उनका मेन मकसद क्या था ईद गुजारने का यहाँ पर, और क्या कुछ उनकी जो मतलब खुशी क्या है उनकी। तो उससे पहले आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखो दोस्तों, पीछे फाउंटेन के तालाब, यहाँ जो कश्ती वगैरह मतलब चलती है, और ये मेरे आप देख सकेंगे अभी कश्ती जो आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये पीछे आप देख रहे हैं मेरे। ये देखे दोस्तों, यहाँ जो है झूले वगैरह लेते हैं बड़े और बच्चे, और जा रहे, इसकी टिकट है, कोई फ्री तो है नहीं है। ये देखे दोस्तों, तो अभी मैं अभी कुछ लोगों से पूछूंगा कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और यहाँ आने का इतनी गर्मी में मतलब क्यों। तो क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आए हो? लाहौर से। क्या कैसी गुजरी है ईद? अच्छी गुजरी। कितनी मिली ईद? आज आज ईद कितनी मिली? अभी मैंने ली नहीं है, अपने पास ही पैसे लगा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कितनी गर्मी में यहाँ क्या लेने आए हो? घूमने। घूमने के लिए? गर्मी नहीं लग रही? ईद गुजारने के लिए आए हो? अकेले ही आए हो? अच्छा चले ठीक है जी दोस्तों, उनसे भी पूछते हैं आगे जाकर उनकी ईद कैसी गुजर रही है। और यहाँ जो है अभी आपको थोड़ा सा व्यू करवाऊंगा मैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं पीछे जिनका व्यू करवाना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों ये साथ एक मेरी फैमिली है। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सौदा। अच्छा, कहाँ से आए हो? पेशावर से। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? सही सही गुजर रही है। हाँ। कितनी मिली ईद आपको? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतनी गर्मी में यहाँ ईद गुजारने के लिए क्यों, कोई और जगह नहीं मिली? नहीं, लाहौर अच्छा है। अच्छा, लाहौर अच्छा है। हाँ। अच्छा, इतनी दूर से आप सिर्फ ईद गुजारने के लिए यहाँ पे आए हो? हाँ। कितने दिन के लिए आए हो? चार पाँच दिन के लिए। चार पाँच, यहाँ कोई रिलेटिव रहते हैं? हाँ। अच्छा चले ठीक है जी, आपके क्या नाम है बच्चे? प्रिया। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। अच्छा जी, ईद मिली है? पापा किधर है? अच्छा, घर में आप अकेले आए हो? अच्छा चलें ठीक है जी। तो दोस्तों आगे और लोगों से कोई बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। और चलें जी आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा व्यू करवाते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरे पास बैक साइड पे मनारे पाकिस्तान है, वहाँ जाकर आपको थोड़ा सा व्यू करवाऊंगा मैं। और जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? नाम से। कहाँ से आए हैं? इधर से ही पास। अच्छा जी, ईद कैसी गुजर रही? ईद गुजारने के लिए आए हो यहाँ पे इतनी गर्मी में? हम ईद गुजारने के लिए हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, रहते ही इधर है? ईद कैसी गुजर रही? बहुत अच्छी गुजर रही। अच्छा जी, आपकी सब ठीक है? चले ठीक है। ठीक है जी दोस्तों, साथ साथ जो भी हमें जो नजर आएगा, ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये जो कश्ती जो जा रही है, झूले वगैरह बहुत खुशी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को, और अच्छी गुजर रही है ईद। जितनी ज़ाहर है, एक साल के बाद जो हमें जो एक ऐसा दिन हमारे जो आता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं, और एक अच्छा दिन गुजरता है हमारा। तो दोस्तों करते हैं, किसी और से बात कर लेते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर कैमरे में देखो, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शाजिल। अच्छा मुझे ये बताएं, कहाँ से आए आप? मैं सियालकोट से। अच्छा, आप ईद कैसी गुजर रही? ईद ऐसे ही बस गुजर रही है। अच्छा, इतनी गर्मी में आप यहाँ ईद गुजारने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, हाँ हम पहली दफा इधर आए हैं, ये देखने, ये ना मनारे पाकिस्तान, लेकिन है तो ईद ना आज। हाँ, ईद ही है। अच्छा जी चलें ठीक है जी। तो दोस्तों करते हैं और किसी से बात करते हैं, चलें जी आगे चलते हैं।
तो दोस्तों बात ये है कि ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप जो है ये मीनारे पाकिस्तान है वो आप देख रहे हैं, और थोड़ा सा पास कर जाकर भी आपको मैं थोड़ा सा व्यू करवाऊंगा, क्योंकि इसके पास जो है बिल्कुल अंदर जाने नहीं देते, लेकिन बाहर जंगला जो लगा है, जाली लगी है जिसे हम कहते हैं, जो मतलब एक रुकावट है, लेकिन उसको हम अबूर नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ ये दूर से ही आपको थोड़ा सा व्यू करवा सकते हैं। तो इधर देखें दोस्तों, क्या चीज़ है भाई, पानी है जी, ये सकंज भी है दोस्तों। दरअसल गर्मी है, और गर्मी और ईद भी है, और लोग जो दूर से आते हैं उनको प्यास लगती है, हज़ार प्यास को बुझाने के लिए ये जो इन्होंने के इंतज़ाम किया है यहाँ। मतलब कितने का ग्लास दे रहे हैं, 20 का ग्लास दे रहे हैं जी ये भाई साहब, और कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जितनी गर्मी है उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, इधर ही देखें जी दोस्तों, ये जो है जंगला वगैरह लगा है, इधर से आगे हम जा नहीं सकते, ये मीनारे पाकिस्तान है, ये आप देख रहे हैं। काफ़ी पहले होता था कि यहाँ अंदर जा सकते थे हम, पास जो इस व्यू दिखा सकते थे आप लोगों को, या फिर दिखा सकते थे आप लोगों को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो चलते हैं जी और किसी से बात करते हैं, उनकी ईद कैसी गुजर रही है, और मतलब क्या इतनी गर्मी में यहाँ यादगार में ही ईद गुजारने क्यों आए हैं लोग, ये पूछते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी वापस, और इधर अगर आप देखते हैं तो ये देखें, ये पीछे मीनारे पाकिस्तान है, ये जंगला लगा, यहाँ जो है वो अंदर नहीं जाने देते। तो इधर किसी और भाई से पूछते हैं जी, उनकी ईद कैसी गुजरी है, कहाँ से आए हैं, कैसी ईद गुजरी है, क्या कुछ कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है जी भाई आपका? आसिफ। आपका क्या नाम है? हसन। आपका? अमान। कहाँ से आए हैं? देरगों से। अच्छा, मुझे ये बताएं ईद कैसी गुजरी आज? आज ईद का पहला दिन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप इतनी गर्मी यहाँ क्यों? नहीं, शाम को भी तो आ सकते थे आप। नहीं, दिन में घूमने का मजा है। अच्छा, चल अभी तो इतना रश भी नहीं है, गर्मी भी है, तो आप ईद गुजारने के लिए यहाँ आपने ये मतलब जगह चुनी कि हमने यादगार ही जाकर ईद मनानी है, ईद सही गुजर रही है। चले जी, अच्छी बात है, अगर आपकी ईद अच्छी गुजर रही है दोस्तों। तो आगे दोस्तों पूछते हैं किसी से, उनसे कोई अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हमें मिलेगा हमने उनसे पूछना है कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। तो चलते हैं जी आगे दोस्तों, ये देखें दोस्तों साथ साथ ये जो मीनारे पाकिस्तान, ये जंगला वगैरह पहले नहीं होता था, अब इन्होंने लगा दिया रुकावट, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा जो लड़के वगैरह जो खासकर होते थे, वो जो मतलब यहाँ जो शरारतें वगैरह करते थे, जिसकी वजह से फिर कुछ और भी हो सकता है मसले मसाइल हों, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जाने देते। तो दोस्तों करते हैं किसी और, किसी से बात करेंगे हम, पूछेंगे उनसे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और क्या कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो, क्या नाम है जी आप लोगों का? अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? शादरे से आए हैं ईद गुजारने के लिए, ईद कैसी गुजर रही है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इतनी गर्मी में यहाँ जो ईद गुजारने के लिए है क्यों? अच्छा जी, ईद वगैरह मिली है घर से? अच्छा जी, चले अच्छी बात है। चले तो दोस्तों और किसी से पूछते हैं उनकी ईद कैसी गुजर रही है। यही जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि क्योंकि आज ईद का पहला दिन है, ये ईद उल फितर है, और इस ईद पे हम जो बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेट करते हैं इस ईद को, और अभी जो मुझे यहाँ जो इतना रश नज़र नहीं आ रहा क्योंकि गर्मी है, दोपहर का टाइम है, मेरा ख्याल है अभी जो टाइम है वो 3 बज गए हैं, लेकिन शाम के 5 से 6 बजे जो लोग यहाँ आएंगे और वो जो मतलब के ईद यहाँ जो सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे बच्चों के साथ, फैमिली वगैरह के लिए जो आते हैं यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो ग्राउंड वगैरह जो फुल हो जाती है, रश काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखें दोस्तों पीछे, ये मीनारे पाकिस्तान, मैं भी इसको पूरी चारों तरफ से घूम कर आया हूँ,
और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है मेरा यादगार की तरफ है, उधर से मैंने वापस एंट्रेंस जो एग्जैक्ट है यादगार की तरफ, उधर से वापस मैंने जाना है, और उसके बाद ये हमारी जो ये व्लॉग एंड होगा। जी तो दोस्तों ये देखे जी पीछे मीनारे पाकिस्तान, और अब मैं जा रहा हूँ वापस, हम जो जा रहे हैं यहाँ से एग्जैक्ट आउट होंगे। और यही थी हमारी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।